1 अप्रैल 2023 दोपहर डेटा जो नंबर्स होते हैं स्टूडेंट के सिलेक्शन के वो लगातार आ रहा है। उनकी संख्या अभी तक अगर सही सही बताया जाए तो 1000 से अधिक हो चुका है और स्टिल वी आर काउंटिंग। वी आर होपिंग फॉर इट टू बी द बेस्ट नंबर फॉर अस। आज 2023 2022 के रेस्पेक्ट में या 21 के रेस्पेक्ट में उससे ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एंड ये स्पेशल सेशन है और उन्हीं बच्चों के लिए है जिनका सिलेक्शन हो रखा है, क्योंकि अभी तक तो आप हम लोगों से लगातार कनेक्टेड थे, पढ़ रहे थे, हम आपके मेंटर्स थे, हमारी पूरी टीम थी। लेकिन अब आगे का क्या प्लान होना चाहिए इस बारे में ये सेशन है, क्योंकि वो कहते हैं ना अंत ही प्रारंभ है। आपने कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट भी देखा होगा जिसमें मैंने ये टाइटल के साथ आपसे चर्चा किया था आपके साथ, तो सच में यही है कि आपके लिए तो अभी एक फेज कंप्लीट हुआ है, लेकिन आज के बाद हमें लगता है कि आप अपने आप को एक ऑफिसर के तौर पे, एक बैंकर के तौर पे देखना शुरू कर चुके होंगे। तो आने वाले वक्त में करियर ग्रोथ कैसे देखते हैं आप, या फिर अभी से लेके जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस के बाद जो यू नो ज्वाइनिंग प्रोसेस है, क्योंकि हमारे अभी आपको बता रहा हूँ हमारे टीम में बहुत ऐसे ऐसे लोग हैं अभी फिलहाल आपके स्क्रीन पे जो दिख रहे हैं, ये लोग ऐसे नहीं, आपके आगे के मेंटर्स हैं जो आपको आगे मेंटर करेंगे बहुत तरीके से। जैसे सुप्रभा में हमारे पास वहां पे हैं, आपको सबसे राइट हैंड साइड में दिख रही हैं, वो आपको गाइड करेंगे अभी के बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बाद। अब ज्वाइनिंग प्रोसेस एचआर है वो, सीज एक्स एचआर इन बैंक ऑफ इंडिया। एंड उसके बाद हमारे साथ यहाँ पे प्रवीण सर हैं एंड निकिता मैम है, दे विल गाइड यू फॉर द अपकमिंग टाइम कि अपकमिंग टाइम में करियर ग्रोथ कैसे, मतलब करियर को कैसे एनहेंस किया जाए बैंक में जाने के बाद। तो ये तमाम चीजें बहुत हेल्प करने वाली हैं और मुझे लगता है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। आज तक आपने काफी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पढ़ाई करी है, तो मुझे लगता है कि आगे अपने करियर को भी आप ऐसे ही ग्रो करने वाले हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट। फिलहाल हम आपको मिलवाते हैं अपने मेंटर्स, आपके भावी मेंटर्स से। सो सबसे पहले मैम आपसे ये सवाल है, क्योंकि बच्चे अभी यहाँ के बाद सोच रहे होंगे ज्वाइनिंग प्रोसेस उसके बाद कैसे आगे का क्या ग्रोथ है, कैसे क्या है। देखिए आज रिजल्ट आया और आप लोगों का सिलेक्शन भी हो गया है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा आपका अपॉइंटमेंट लेटर। तो वेट करिए, एक महीने के अंदर आप लोगों का अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा जिसमें आपको ज्वाइनिंग का जो एग्जैक्ट प्लेस है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वो आपके लिए तय हो जाएगा। नॉर्मली होता है सर, रिजल्ट आने के बाद एचआर डिपार्टमेंट जो होता है वो अलॉटमेंट करते हैं बेस्ड ऑन दी जो भी पोजिशंस है, जैसे सारे सिटीज में है या स्टेट में है उसके अकॉर्डिंग अलॉटमेंट होता है। और ज्वाइनिंग के बाद जो पहला फेज होता है वो होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। ठीक है, तो नॉर्मली जैसे ही एक जो स्टूडेंट है, जैसे अभी आज रिजल्ट आया है और वो फिर बैंक ज्वाइन करेगा, तो नॉर्मली विद इन 15 डेज के अंदर उनको एक ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए, जो कई सारे फेजेस में होती है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरीके से। ड्यूरिंग देयर प्रोविजन टाइम, जो प्रोविजन टाइम है वो 2 साल का है और उस 2 साल के अंदर उनकी कई बार इंडक्शन ट्रेनिंग होती है फेजेस में। सो दैट इज अ वन थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर डे 1 से सर एक एग्जाम होता है नॉर्मली बैंकर्स के लिए, पीओ के लिए भी, क्लैरिकल के लिए भी और एसओ के लिए भी, चाहे आप एसबीआई में पीओ हो या क्लर्क हो, या फिर आप नॉर्मल एक नेशनलाइज बैंक में हो, या आप आरआरबी में हो, या फिर आप आरबीआई में भी हो, तो सबके लिए एलिजिबल है ये। तो एक एग्जाम होता है जिसे हम बोलते हैं जीआईबी एंड सीआईबी। तो जो जीआईबी एंड सीआईबी का एग्जाम होता है वो आईआईबीएफ कंडक्ट करवाता है और आईआईबीएफ ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, आरबीआई ने एक्चुअली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आईआईबीएफ को दी है टू बिल्ड दी कैपेसिटी बिल्डिंग इन द बैंक, बिकॉज जो आरबीआई है वो भी ये चाहता है जितने भी बैंकर्स हैं वो नॉर्मली जो बैंकिंग के जो एस्पेक्ट होते हैं, जैसे रिस्क है, ट्रेजरी है, जैसे लीगल है, वो सारे नॉलेज उनको मिले, इसीलिए आईआईबीएफ ने जीआईबी और सीआईबी का एग्जाम रखा है बैंकर्स के लिए। तो ये सभी बैंकर्स के लिए है और नो डाउट मॉनिटरी बेनिफिट भी है जो आपका एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट इसमें लगता है। जीआईबी की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो क्लैरिकल के केस में एक इंक्रीमेंट जीआईबी का होता है और एक इंक्रीमेंट सीआईबी का होता है। सेम ऐसे ही सीआईबी के केस में 2 इंक्रीमेंट क्लैरिकल के होते हैं और 1 इंक्रीमेंट ऑफिसर का होता है। यहाँ पे मैं प्रवीण सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो थोड़ा सा और मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट जो जीआईबी और सीआईबी के करने के हैं, वो सारे एस्पिरेंट जो है अभी बैंकर से बनने वाले हैं बैंकर्स, तो उनको जरूर बताएं। एक क्वेरी था इसमें प्रवीण सर के पास जाने से पहले, सॉरी फॉर दिस, कि अभी हमारे पास जैसे 2 तरह के एस्पिरेंट्स होंगे अभी यहाँ पे, एक क्लर्क वाले और एक पीओ वाले।
बिल्कुल, क्योंकि आपने इंडक्शन ट्रेनिंग का जिक्र किया, तो ये क्लर्क वालों के लिए भी 2 साल ही है या फिर? सर प्रोविजन पीरियड जो नॉर्मली होता है वो ऑफिसर्स के लिए होता है 2 ईयर, और इंडक्शन दोनों के केस में ही, मतलब इंडक्शन क्लरिकल के लिए भी होता है, फेजेस में, डिफरेंट फेजेस में, बस एक लेवल अलग होता है, बट इंडक्शन क्लरिकल का भी होता है, ऑफिसर का भी होता है। और डे वन से, जैसे मेरी आज ज्वाइनिंग की डेट आई है सपोज 1st of April, तो मैं 1st of April से ही जेआईबी और सीआईबी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हूँ। इनफैक्ट प्रवीण सर इसमें और बताएंगे कि जेआईबी में आप डीबीएफ भी कर सकते हैं, तो आई थिंक प्रवीण सर आप बताइए डीबीएफ और जेआईबी के बारे में। थैंक यू सौरभ सर, एंड थैंक यू सुभवन सभी को गाइड करने के लिए। और भाई जितने भी एस्पिरेंट्स कैंडिडेट्स हमारे साथ में कनेक्ट हैं जिनका आज पीओ एंड क्लरिकल का एग्जाम क्लियर हुआ है, तो सबसे पहले तो आप सभी को कांग्रेचुलेशंस, एंड अब से आप सभी का बैंकर का टैग लग गया है ना, अब आप बैंकर बन चुके हैं। अब बैंकर बनने के बाद में ये मत सोचिएगा कि मैं बैंकर बन गया हूं और मेरी जो पढ़ाई है वो रुक गई है ना, या मैं पढ़ना छोड़ दूंगा, अब तो कमाने लगेंगे, पढ़ने की क्या जरूरत। देखिए बैंकिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अगर आपको आगे बढ़ना है तो रेगुलर बेसिस पर अपनी नॉलेज को एनहांस करना होगा, है ना, अपने बैंकिंग करियर के ऊपर ध्यान देना होगा। अभी तक बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने, अभी जब आप पीओ की प्रिपरेशन कर रहे थे, क्लरिकल की प्रिपरेशन कर रहे थे, या आपने ग्रेजुएशन किया, स्कूल कॉलेज में थे, वो बहुत सारी चीजें अभी तक आपने नहीं सीखी, ठीक है। अब आप बैंकर का जब जैसे टैग लग जाता है तो उसके बाद में उन सब चीजों को आपको सीखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तभी आप अपने बैंकिंग करियर को एक उड़ान दे पाओगे, है ना। सारी उम्र एज ए पीओ या क्लर्क बन के थोड़ी रहना है, आगे बढ़ना है ना, स्केल 1 ऑफिसर, स्केल 2, स्केल 3, 4, 5, है ना। तो इस लेवल पर आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी नॉलेज को एनहांस करते रहना होगा, और इसके लिए बैंकिंग सेक्टर में 2 एग्जाम वेरी फेमस हैं, एक जीआईबी का एग्जाम होता है और दूसरा सीआईबी का एग्जाम। तो यहां पर सबसे पहले अगर हम जीआईबी के एग्जाम की बात करते हैं तो इसका पूरा नाम होता है जूनियर एसोसिएटेड ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। ये जो एग्जाम है वो आईआईबीएफ की तरफ से कंडक्ट करवाया जाता है। अब आप बोलेंगे सर मैं अगर जीआईबी का एग्जाम पास करता हूं तो मुझे फायदा क्या होगा, बेनिफिट क्या होगा, है ना भाई। सबसे पहले तो इस एग्जाम की जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे ना, बैंकिंग के बारे में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लर्न करने को मिलेगा, और सीखने, जब हम कोई चीज लर्न करते हैं, सीखते हैं अपनी लाइफ में, है ना, तो उससे हमें क्या होता है कि कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे बैंकिंग करियर में काम आता है ना। बहुत सारी चीजों के लिए हमें दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि सर केवाईसी क्या है, केवाईसी कैसे करूं, है ना, ये क्रेडिट क्या होता है, लेंडिंग क्या होता है, ये कासा क्या है, ये राफा क्या है, है ना। अभी तक तो हल्का फुल्का पढ़ा था और वहां तो फिर प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करना है और फिर दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। तो यहां पर यह सब चीजें आपको डिटेल में सीखने को मिलेंगी, और इसके साथ साथ जब आप जीआईबी का एग्जाम पास करते हैं ना, तो इससे यहां पर आपको मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है। मतलब मॉनेटरी बेनिफिट का मीनिंग क्या हुआ, आपने देखा होगा जब आप एज ए पीओ या क्लर्क की तैयारी कर रहे थे तो वहां पर जब आईबीपीएस की तरफ से जो एप्लीकेशन फॉर्म आता है, जो एडवर्टीजमेंट आता है, उसमें सैलरी का स्लैब होता है, और उसमें देखा होगा कि यहाँ पर ये समय पूरा करने पर ये इंक्रीमेंट लगेगा, ये इंक्रीमेंट लगेगा, ये इंक्रीमेंट लगेगा, हाँ हाँ, ऐसा करके इंक्रीमेंट आते हैं ना। जो बेसिक होगी स्केल 1 ऑफिसर की, वो होगी 36,000, और अभी इनफैक्ट बायपार्टी सेटलमेंट में और रिवाइज भी होने वाली है, तो डेफिनेटली जब आप जेआईबी क्लियर करेंगे तो आपको वो एक एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट वहां पे देखने को मिलेगा। अगर आप अपने फेलो बैंकर से कंपेयर करेंगे ना, जो जेआईबी क्लियर नहीं किए हुए हैं और आपने अगर क्लियर किया है, तो आपको वहां पे बहुत ज्यादा एक सैलरी में डिफरेंस वहां पे क्रिएट हो जाता है सर, क्योंकि ये केवल इतना नहीं है कि आपका एक इंक्रीमेंट एड ऑन हो रहा है, वो इंक्रीमेंट आपकी बेसिक में भी रिफ्लेक्ट करेगा, आपके डीए में भी करेगा, आपके सीसीए में भी करेगा, जितने भी कॉम्पोनेंट आपकी सैलरी के होते हैं उन सब में वो रिफ्लेक्ट करते हैं। बिल्कुल, एंड यहाँ पर ये जो इंक्रीमेंट मिलता है ना, जैसे आपने आपने अपना पीओ या क्लर्क क्लियर किया है, आपके फ्रेंड ने भी क्लियर किया है ना, जब आप जीआईबी का एग्जाम पास कर लेंगे और आपके फ्रेंड ने नहीं किया, तो जब मंथ एंड होने पर सैलरी क्रेडिट होगी ना, आपकी सैलरी वो बोलेंगे आपने कैसे किया, उनकी सैलरी ज्यादा आ रही, मेरी कम आ रही है ना। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और यहाँ पर जैसे आप जीआईबी का एग्जाम क्लियर कर लोगे ना, उसके बाद में फिर आप सीधा एलिजिबल होते हैं सीआईबी के लिए, सीआईबी का एग्जाम पास कर सकते हैं, और सीआईबी का एग्जाम आप तब तक नहीं पास कर पाओगे जब तक जीआईबी का एग्जाम आपका पास नहीं होगा, सीआईबी के लिए आप तब तक एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले आपको जीआईबी का एग्जाम पास करना होगा, और जैसे सुबह मैंने बताया जीआईबी का एग्जाम क्लियर करने पर चाहे आप क्लरिकल पोस्ट पर हैं या पीओ हैं, दोनों ही लेवल पर आपको आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट लगता है, ठीक है। जो इंक्रीमेंट आपको 1 साल 2 साल बाद मिलने वाला है वो एग्जाम पास करते ही तुरंत मिल जाएगा, आपकी सैलरी में लग जाएगा,
सर्टिफिकेट आएगा आपके पास में, उस सर्टिफिकेट की कॉपी लेकर अपने बैंक के एचआर डिपार्टमेंट के पास सबमिट करना है, एक फॉर्म फिल करना है और आपका जो इंक्रीमेंट है वो लग जाता है। उसके बाद में जब आप सीआईबी के एग्जाम पास करते हैं तो सीआईबी के एग्जाम पास करने पर आपकी सैलरी में दो इंक्रीमेंट लगेंगे अगर आप क्लेरिकल पोस्ट पर हैं, ठीक है, और अगर आप ऑफिसर लेवल पर हैं तो आपकी सैलरी में एक इंक्रीमेंट लगता है क्योंकि ऑफिसर लेवल पर सैलरी ज्यादा होती है, ठीक है। और जीआईबी सीआईबी पास करने पर, और आपका फ्रेंड जिसने जीआईबी सीआईबी एग्जाम पास नहीं किया है ना, और अगर सैलरी स्लिप देख ली गलती से बस बहुत बहुत फर्क देखने को मिलता है, बहुत फर्क देखने को मिलता है। ये एक रिटायरमेंट तो वो बेनिफिट और भी ज्यादा इम्पैक्ट करता है ऑन योर टर्मिनल बेनिफिट, वो तो और भी ज्यादा है फिर, मतलब ये तो क्या 30 साल बाद की बात होगी, बट डेफिनेटली बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर हम बात करते हैं जो हमने कैलकुलेशन किया है कि जीआईबी सीआईबी एग्जाम पास करने पर अगर पूरे बैंकिंग करियर में कैलकुलेट किया जाए तो लगभग जिसने जीआईबी सीआईबी का एग्जाम क्लियर नहीं किया और जिसने क्लियर किया है 60 से 70 लाख रुपए का फर्क बैठता है, 60 to 70 लाख का फर्क आ जाता है यहाँ पर आपके पूरे बैंकिंग करियर में। अच्छा देखिए प्रवीण सर, एक क्वेश्चन और था यहाँ पे कि आपको क्या लगता है बैंकर्स के लिए जो जैसे प्रोविजन पीरियड है 2 ईयर का, तो उन्हें अभी से ही तैयारी क्यों करनी चाहिए जीआईबी सीआईबी की? देखिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं जीआईबी के एग्जाम की, जीआईबी के एग्जाम जब आप पास करने जाएंगे तो यहाँ पर 4 पेपर हैं, उन 4 पेपर को आपको पास करना होगा और ये 4 पेपर आप ऐसे ही तैयारी करेंगे जैसे आपने ग्रेजुएशन के टाइम पर आपके पास सब्जेक्ट थे, है ना, अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उस टाइम पर आपके पास कुछ सब्जेक्ट थे तो जैसे वहां पर पास करने के लिए आपको 50% मार्क्स चाहिए तो यहाँ पर भी एग्जाम को पास करने के लिए 50% मार्क्स चाहिए। लेकिन यहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सिलेबस बहुत बड़ा है ना, और उस सिलेबस को कवर करने के लिए आपको टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, आपको समय चाहिए, कम से कम आपको 5 से 6 महीने का समय देना पड़ेगा तैयारी करने के लिए, है ना। और जैसे सुप्रभा मैम ने बताया कि अभी आपका रिजल्ट आ गया है, 2 महीने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जब आप ब्रांच में एंटर करेंगे, जब बैंक में एंटर करेंगे ना, वहां पर आपको दूसरे लोगों से देखने को सुनने को मिलेगा कि जीआईबी का एग्जाम होता है, सीआईबी का एग्जाम होता है। बहुत सारे बैंकर ऐसे हैं जिनको 1 साल 2 साल 3 साल के बाद जाकर पता चलता है कि जीआईबी का एग्जाम होता है, कुछ सीआईबी का एग्जाम होता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है ना, क्योंकि जो अभी हमारी पढ़ाई की पढ़ने की जो रिदम बनी हुई है ना वो तब तक टूट चुकी होती है, और अभी तो हम हमारी पढ़ने की रिदम बनी हुई है, अभी एग्जाम पास करके आए हैं। एक और एंगल ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भी सर एंगल एक बार बाद में आ जाता होगा, जैसे कि अभी तो स्टूडेंट पढ़ रहा है, फ्लो में है, पढ़ना शुरू कर लिया, लेट सपोज वो 2 साल बाद अगर उसे ध्यान आया कि मुझे देना है एग्जामिनेशन प्रमोशन वाला, उस वक्त उसकी शादी हो रखी है, नहीं लेट सपोज वी शुड टॉक अबाउट दिस एज वेल, तो उसकी जो इंगेजमेंट्स होंगे आफ्टर लाइक जॉब कर रहा है वो, जॉब के बाद फिर अपना यू नो फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा हो जाएगा मुझे लगता है। सो मुझे लगता है इस चीज में आपको ना प्रोएक्टिव रहना चाहिए, अगर आपने आज तक हम लोगों की बातें सुनी है तो ये मुझे लग रहा है कि बीइंग योर मेंटोर, अब तो हम आपके एक्स मेंटोर हो गए लेकिन फिर भी हमें लगता है कि आप अभी से शुरू कर लेना बेटर होगा, जल्दी से, तो अभी नहीं बोल रहा आज से, बट यस यू शुड गो थ्रू दिस सिलेबस, क्या आइडिया है, बाकी सर लोग तो गाइड करते रहेंगे सर। बस 2 पॉइंट बताऊंगा और उसके बाद में फिर चलते हैं निकिता मैम के पास में। भाई सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी आपने एग्जाम क्लियर किया है पीओ का, क्लेरिकल का, अभी आपको फोकस करना है अपने जीआईबी के एग्जाम के ऊपर। जीआईबी का एग्जाम जितना जल्दी पास कर लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि बाद में फिर है ना पास करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जॉब में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाएगा, फैमिली में इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, शादी के बाद तो और ज्यादा मतलब समय देना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जितना जल्दी अभी पास कर लोगे उतना अच्छा होगा। और ये जो क्लासेस हैं आपको मिलती हैं कहाँ पर, आप अगर हमारे पास साथ में रेगुलर बेसिस पर टच में रहना चाहते हैं और ये समझना चाहते हैं कि ये जीआईबी के एग्जाम क्या होता है, व्हाट इज जीआईबी एंड व्हाट इज सीआईबी, तो आप हमारे साथ में कनेक्ट हो ऑफिसर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। आप यूट्यूब में सर्च करें, है ना, ऊपर सर्च बार आता है उसमें टाइप कीजिएगा ऑफिसर्स अड्डा 24/7, ठीक है, जैसे सर्च करोगे सबसे टॉप पर जो चैनल आएगा वो वही होगा, उसको सब्सक्राइब करके रख लो, वहां पर इन एग्जाम की आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी। चलते हैं, उसका लिंक हम लोग अभी डिस्क्रिप्शन में भी आप देख पाएंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी नजर आ जाएगा चैनल का। बिल्कुल एंड जो जिससे आपको एकदम आसानी हो जाए वहां तक पहुंचने के लिए, आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एंड जीआईबी के एग्जाम के बाद जो सीआईबी का एग्जाम होता है ना, निकिता मैम उसके बारे में आपको पूरा कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ में शेयर करने वाली है, इनको भी ध्यान से सुनिए। एग्जैक्टली सो सर, आप तीनों मेंटर ने आई थिंक सब कुछ बता ही दिया है, लेकिन मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, जो भी सबसे पहले यहाँ पे स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है सबको एक बिग कांग्रेचुलेशन,
लेकिन जब हम पीओ एसओ और क्लर्क का एग्जाम क्लियर करते हैं ना, तो आई थिंक बेसिक आता है, इंग्लिश रीजनिंग मैथ ये सब आता है, लेकिन अगर आप लोग जीआईबी और सीआईबी का एग्जाम आपको क्लियर करना है ना, तो जो सब्जेक्ट होंगे मे बी आप लोगों के लिए न्यू होगा, तो उसी सब्जेक्ट को परफेक्ट करने के लिए हम जो यहाँ पे मेंटर हैं, अभी तो हम लोगों के पीछे और भी कई सारे मेंटर हैं जो आप लोगों को जेवी और सीएवी में देखेंगे। तो यहाँ पे सपोज अगर आप जेवी का एग्जाम देते हैं तो 4 पेपर कंपलसरी है, और सीआईबी के एग्जाम में 4 पेपर प्लस 5 एक इलेक्टिव पेपर भी होता है। तो इन पेपर को देख के घबराइएगा मत, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पे मेंटोर हैं बहुत सालों से इस चैनल में, जो कि एक ऑफिसर अड्डा चैनल, अभी तक आप लोग मेंस चैनल पे पढ़ते थे और अब आप लोग ऑफिसर अड्डा चैनल पे पढ़ेंगे, जहाँ पे हम सब मेंटोर आपको जेआईबी और सीआईबी का एग्जाम यहाँ पे वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा सकते हैं। देखिए जैसे आप लोगों के पास पीओ क्लर्क करने में ऑप्शंस क्या होता था कि चलो 1 साल में नहीं हुआ, 2 साल में नहीं हुआ, यहाँ भी वही चीज है। लेकिन आप सब लोगों से हम सारे मेंटर्स कहेंगे कि इस एग्जाम को अगर चाहें तो आप सिंगल अटेम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक सौरभ सर बहुत से बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उन्होंने फर्स्ट और सिंगल अटेम्प्ट में जेबी सेवी का एग्जाम को क्रैक किया है। तो इससे यही फायदा होता है कि भाई शादी के बाद बहुत हम लोग को टाइम यहाँ से वहां कंज्यूम करना पड़ता है, तो इट्स बेटर कि अभी आप लोग का सिलेक्शन हुआ है, विद इन 1 ईयर भी आप चाहें तो जेबी और सीएबी का एग्जाम को यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं। और देखिए एक इंक्रीमेंट तो चलो एक आप लोगों के लिए है, लेकिन जेबी सेबी एग्जाम क्लियर करने के बाद जो आप लोग का नॉलेज होगा ना, वो एज कंपेरिजन टू उन एस्पिरेंट से जिन्होंने एग्जाम नहीं क्लियर किया है बहुत अब होगा। So, इसीलिए आप सब लोगों का हम लोग यहाँ पे वेट करते हैं। आइए इस सबसे पहले इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करो, जो भी यहाँ पे बैंक एस्पिरेंट ये सेशन को देख रहे हैं, और जो आपने करियर पाथ भी देखा होगा, जैसे आप लोग अभी सारे लोग क्लैरिकल या स्केल 1 पे अभी ज्वाइन कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी आप जेआईबी सीआईबी क्लियर करेंगे, सर एक मेरिट बेस्ड प्रमोशन होता है, तो डेफिनेटली अराउंड लाइक 3 साल के बाद दे कैन अपीयर फॉर दी स्केल 2, और अगर आपने क्लैरिकल में आप ज्वाइन कर रहे हैं सो दे कैन अपीयर फॉर दी स्केल 1 ऑफिसर एज सून एज पॉसिबल, अगर जेआईबी सीआईबी क्लियर कर लेते हैं तो। सो दैट इज अ क्राइटेरिया, वन ऑफ द क्राइटेरिया। तो आज आपको 2 काम करने हैं, एक तो आईआईबीएफ की साइट अच्छे से चेक कर लीजिए, दूसरा काम आपको ये करना है कि ऑफिसर्स अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अड्डा 24/7 को तो करके ही रखना है, साथ ही साथ ऑफिसर अड्डा 24/7 को भी सब्सक्राइब कर लेना है, सो दैट आपको पूरा आइडिया लग जाए कि एग्जैक्टली जीआईबी सीआईबी है क्या। एंड जीआईबी और सीआईबी की जो क्लासेस हैं आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, यहाँ पर अड्डा 24/7 पर जो क्लासेस हैं वो पीओ के लिए, कलर के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम के लिए मिलती हैं, वहाँ पर जो क्लासेस हैं आपको, जो स्पेशल क्लासेस हैं जीआईबी एग्जाम के लिए, सीआईबी एग्जाम के लिए, बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए एंड जो अदर सर्टिफिकेशन एग्जाम है उसके लिए ऑफिसर्स अड्डा 24/7 डेडिकेटेड चैनल है बैंकर्स के लिए। अब आप बैंकर्स हैं तो बैंकर्स के लिए वो वहां पर डेडिकेटेड चैनल है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जीआईबी का एग्जाम, सीआईबी का एग्जाम मैंडेटरी भी होने जा रहा है, कई बैंक्स में मैंडेटरी हो चुका है, अभी नहीं करोगे तो फ्यूचर में करना ही पड़ेगा, फिर जब बिल्कुल पीओ क्लर्क पास करने के बाद में तो एक जो हाई है ना, हाई जोश रहता है, तो उसके बाद तो बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं वो पास कर चुके हैं। और लास्ट टाइम हमारे साथ में जितने भी बैंकर्स कनेक्ट हुए थे, अगर 1000 बैंकर्स कनेक्ट हुए हैं हमारे साथ में जीआईबी एग्जाम के लिए, तो उनमें से मोर देन 900 जो बैंकर्स हैं उनका एग्जाम क्लियर हो चुका है, तो ये जीआईबी का एग्जाम क्लियर हो चुका है, तो यहाँ पर रिजल्ट मोर देन 90% है। तो आपके लिए जब आप YouTube में सर्च करेंगे ना जीआईबी सीआईबी के लिए, तो आपको यही चैनल मिलेगा वहां पर तैयारी करने के लिए। उसी तरीके से जिस तरीके से आपको बैंक एग्जाम्स के बारे में जब सर्च करते हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल दिखाई देता है, ठीक, हमारा एक बॉडी है, बहुत बड़ा बॉडी है हमारे 24/7 के मेन चैनल का, बस ऐसे ही समझ लीजिए। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ तो गए ही होंगे, और पैसा किसे बुरा लगता है, प्रमोशन किसे बुरा लगता है यार, और आप लोग तो प्रोएक्टिव लोग हैं, आप में से कईयों ने तो इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ डाला है, तो अपेक्षा करते हैं कि आप लोग इस बार सबसे पहले नंबर पे होंगे जायब और कायब एग्जाम क्वालिफाई करने। बिल्कुल, दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टडी वेल, ब्लेसिंग्स, एंड प्लीज कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।